जल रहा है हमरे को, तू लगाए जा रही को। सॉरी, आवाज खा रही है हमरे को, चल रहा है, तू हंस रही है। मैं हंस सोहम, दरअसल ना बात पता है क्या है, मुझे ना जैसे तू चिल्ला रहा है ना अभी, जल रहा है करके, मुझे मेरे छोटे सोहम की याद आ गई। इसका मतलब हो? इसका मतलब ये है कि जब तू बहुत छोटा सा था ना, तो है ना तुझे एक बार लग गई थी, तू गिर गया था, और मैं ऐसे ही लेके तुझे बैठी हुई थी, और तेरे घुटनों पे मैं ये लगा रही थी, और तू इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा छोटू सा सोहम फिर से आ गया। ये ले फिर असरी, अरे कहाँ भाई, अब इतना लगे हुए पे तू जलने वाली दवा लगाएगी तो चिल्लाएंगे नहीं का, छोटू सा सोहम याद आ गया। जख्म को ठीक करना है तो थोड़ी जलन सहनी पड़ेगी ना सोहम, अगर इस डर से हम दवाई ना लगाए तो हमारी जख्म कैसे ठीक होगी, फिर ये जख्म नासूर बन जाएगा, और ऐसे नहीं होता ना, थोड़ा तो सहना ही पड़ता है, वक्त रहते इसका इलाज करना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है ना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। उर्वी क्यों नहीं आई अब तक? अरे पूर्वी, तू इतना भीग कर क्यों आई है? इधर बैठ, मैं तेरे टॉवल लेके आती हूँ। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ इस शादी को बचाने की, अब कुछ नहीं होगा, वक्त निकल चुका है। वो भी अपना फैसला ले लिया, और मैंने भी से डिवोर्स दे रहा हूँ। बैठ। छत्ती गीली कैसे हो गई? छाता नहीं लेके गई थी? क्या हुआ? आज मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? आई ओवी ने अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेजे। मेरी शादीशुदा जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब वो भी अर्जुन का रिश्ता खत्म हो। तू ही कुछ कर सकती है, देख प्लीज उन दोनों से बात कर, प्लीज उनको समझा। एक्चुअली गलती मेरी आई, परी को जन्म देते ही मुझे वापस कोलकाता चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यहीं रुक गई, और फिर ओवी को परी की सच्चाई पता चल गई। तेरी कोई गलती नहीं, नहीं आई, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ओवी की जिंदगी बर्बाद की। इसमें हालात जिम्मेदार होंगे, सिर्फ हालात, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। नहीं आई, सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। जो होना था वो हो चुका पूरी, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि ओवी ने एक बार भी मुझे या मानव को बताने की जरूरत नहीं समझी, इतना बड़ा कदम अकेले, पता नहीं मानव कैसे रिएक्ट करेंगे। इतने रात गए? ओवी, मुझे अभी कुछ पता चला है, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तूने अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेजे? हाँ बाबा, ये सच है, और मैंने इस बारे में बहुत सोचा, और बहुत सोचा तूने? ये सोचा है इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तूने आई बाबा से बात करना जरूरी नहीं समझा? अब तू इतनी बड़ी हो गई कि अपने फैसले खुद लेने लगी, हम लोग मर गए हैं ना जो? नहीं बाबा, प्लीज ऐसा मत कहिए। तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? पापा सोचा, मैंने बहुत सोचा, पर आप खुद बताइए मेरे पास और क्या दूसरा ऑप्शन था, मैं अर्जुन के साथ और नहीं रह पा रही थी, इस
जबरदस्ती के रिश्ते में मेरा दम घुट रहा था। पापा मैं जानती हूँ आपको मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर आप खुद बताइए मैं क्या करती। क्या आप चाहते थे कि आपकी बेटी एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताए जो उससे प्यार तक नहीं करता? बोल बेटा, तू इंडिया वापस आ जा। देख हम सब मिलकर इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे, तू वापस आ जा बस। नहीं बाबा, अब आप जानते हैं मुझे अर्जुन और अपने रिश्ते से कितनी उम्मीदें थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी और अर्जुन की जब शादी होगी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। मेरे साथ वो सब हुआ जो मैं अपने बुरे से बुरे सपने में सोच नहीं सकती थी। पापा ये कि सब मेरे बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा था, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। पापा आप जानते हैं जिस इंसान से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है, अगर वही इंसान आपकी उम्मीदें तोड़ दे तो कितनी तकलीफ होती है, और फिर ऐसे रिश्ते में रहने का क्या मतलब है। पापा अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते तो प्लीज मुझे डिवोर्स लेने दीजिए, मैं घर नहीं रह सकती इस रिश्ते में। मुझे अब अपनी लाइफ में शांति चाहिए। नहीं हो रहा है मुझसे ये सब बाबा, प्लीज बाबा प्लीज मुझे डिवोर्स लेने दीजिए। मैं कभी नहीं चाहती थी कि अर्जुन और रोहित के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो, उन दोनों की दृष्टि अधूरी ना रहे, इसलिए मैं परी को उन्हें सौंप कर यहाँ से दूर जाना चाहती थी। लेकिन ओवी को सब कुछ पता चल चुका है और इसलिए वो अर्जुन से दूर जाना चाहती, उसे डिवोर्स देना चाहती, लेकिन मैं उन दोनों के रिश्ते को ऐसे टूटने नहीं दे सकती। पापा प्लीज कुछ कीजिए और अर्जुन और ओवी के रिश्ते को बचा लीजिए, मेरी तरह उनकी शादी नहीं टूटनी चाहिए। चलो यहाँ, मैंने कहा चलो। ऑनिक कब तक तुम पूर्वी को इस तरह देख के तड़पते रहोगे? जब भी तुम्हें उसकी याद आती है उसके घर के पास आ जाते हो और बस उसकी एक झलक मिलते ही यहाँ से वापस चले जाते हो, ये क्या है ऑनिक? मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि पूर्वी ठीक है या नहीं, लेकिन अब मैं रिलीव्ड हूँ ये जानकर कि वो अपने परिवार वालों के साथ है, अपने आई के साथ है। कम से कम वो अपने दुख तो शेयर कर सकती है, अपने फीलिंग शेयर कर सकती है। और तुम्हारा क्या मतलब, तुम अपना दुख किसके साथ शेयर करोगे? तुम लोग हो ना, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? और हम लोगों के होने का क्या फायदा? तुमने तो अपने आप को उस घर में बंद करके रखा है, ना ही कहीं आते हो ना ही कहीं जाते हो और ना ही किसी से मिलते हो, दिन भर पूर्वी की यादों में खोए रहते हो। उन्हें क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? तुम पूर्वी के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? नहीं किंचुक, पूर्वी सिर्फ अर्जुन की और हमेशा अर्जुन के पास ही रहेगी। मैंने इतनी मेहनत की उन दोनों को एक करने की, अब मैं पीछे नहीं हट सकता और मैं अपने इमोशंस को उनके रास्ते की रुकावट बनने नहीं दूंगा। रही बात मेरी तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूंगा और आगे बढ़ूंगा। मुंबई में रह के कोई प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, वापस कोलकाता जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात है। चुक। हाँ? यहाँ पर लिखा हुआ कि वो भी अर्जुन को डिवोर्स देने जा रही है। ये बात मालूम थी कि ओवी अर्जुन को डिवोर्स देगी, लेकिन इतनी जल्दी दे देगी ये सोचा नहीं था। तो ऑनिल ये तो अच्छी बात है ना, हमने इतनी सारी जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी। ऑनिल फिलहाल चलते हैं यहाँ।
पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।